फ्लेक्सिबिलिटी देखो इसकी, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ जी, की हाल चाल सब बढ़िया। दी वुडवर्क में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए मल्टीपर्पज़ टूल, जिसका हम अनबॉक्सिंग करके आपको सब कुछ दिखाएंगे, क्या क्या यूज आएगा, किस किस काम आएगा। बहुत काम की चीज़ है आपके, बहुत ही ज़्यादा काम की। घर पे भी रख लोगे ना आप, मेरे को याद करोगे किसने चीज़ बताई थी कि काम की चीज़ है, कहीं पर भी काम आ जाएगी, बहुत ही काम, हर एक काम करेगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया हुआ ऑर्डर। ठीक है, फ्लिपकार्ट से मंगाया था हमने, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दें, आपके भी काम आ जाए। ठीक है ना, मैं तो जूस कर ही रहूँगा, ठीक है, आपके भी जूस आए, सबके काम आए। ठीक है ना, मैं अकेला जूस करूँगा तो क्या करूँगा ना, आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, अभी आपको बताते हैं इसमें से क्या निकलेगा। चलिए आ जाओ, क्लोज में आ जाओ, इधर आ जाओ, आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। सबसे पहले हम इधर से कट लगा लेते हैं, ठीक है, इधर से भी कट लगा लेंगे, इधर से भी लगा लेंगे, इधर से भी लगा लेंगे, ठीक है, तो इधर से भी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये रही चीज हमारी, ठीक है ना, 46 पीसेस शोकेट सेट्स। ठीक है, तो 1.4 इंच का है, ठीक है, ओके ओके ओके, दे रहा दे रहा दे रहा दे रहा, ये लो, ये देखिए दोस्तों, इस पर 46 लिखा पीसेस। ठीक है, ये हमारा इसका बॉक्स है, ये वाला है, ये देखिए दोस्तों, ये सब इसमें होगा। ये लो दोस्तों, हम इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखिए दोस्तों, इसका इसमें हमको, ये तो बिल हो गया ना, ये तो बिल हो गया, इसको छोड़ो, ये इसके साथ कार्ड मिला है भाई, 100 रुपया तक जीते लिखा हुआ, कैशबैक 100 रुपये तक जीते। ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं हमको चाहिए। अभी हमने इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको रखो साइड में, ठीक है, इसको इधर रख लेते हैं। तो ये रहा हमारा मल्टीपर्पज़ टूल, ये देखो, ठीक है, ये हमारा है मल्टीपर्पज़ टूल। इसमें हर एक तरह की गोटी है, हर एक तरह की गोटी है, तो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हर एक के काम, कोई भी काम होगा ना, सभी काम में यूज़ आएगी। इसमें स्क्रू ड्राइवर भी है, ये देखो, ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको हम स्क्रू ड्राइवर भी बना सकते हैं। ये लो, कौन सा बिट चाहिए हमको, ये वाला ले लेंगे, तो हमारा स्क्रू ड्राइवर बन गया। मल्टीपर्पज़ टूल लेके आया हूँ आपके लिए, स्पेशल लेके आया हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जो वीडियो पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आगे शुरू करते हैं, हम इसको हम रखते हैं इधर, तो इसको भी हम इधर रख देते हैं। तो ये हमारा है मल्टीपर्पज़ टूल, इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, सुन रही आवाज़ आ रही है, आवाज़, ये देखो, ये देखो आवाज़ आ रही है ना, हाँ। तो इसमें हम सबसे पहले जैसे ये वाली गोटी लेते हैं, ये वाली गोटी है 4 mm, ठीक है, ये देखो 4 mm लिखा, इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये हम ऐसे करके इसमें, इसकी फिट नहीं हो रही अभी, ये अभी फिट नहीं हो रही, इसको जहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, इसको जहाँ से प्रेस करके फिट कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारी फिट हो गई, ठीक है, ये हमारी फिट हो गई। अभी हम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते, ये देखो, इधर इधर से करेंगे तो इधर से लूज होगा, ठीक है, कोई भी स्क्रू खोलना लूज होगा। इसको ये वाला जो चीज़ है ना, इसको हम ये सेंटर में कर देंगे ना, ये सेंटर में कर, ये फ्री हो जाएगा, दोनों तरफ कहीं पर भी घुमा लो, फ्री हो गया। ये मेटल का है, ठीक है, ये इसमें प्लास्टिक नहीं है, मेटल का है, मेटल का, ठीक है, गौर से देख लेना, मेटल का है, मैं आपके साथ गलत नहीं बताऊंगा आपको, ये मेटल का। ये रबड़ आई है, इसमें रबड़ ग्रिप अच्छा, छोटा सा कॉम्पैक्ट पैक है ये, छोटा सा, आप घर में कहीं भी रख लेंगे ना तो आपको काम आएगा, कहीं पे भी कोई भी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी तो आपका काम हो जाएगा इसमें। तो इसमें से हम ये निकाल लेते हैं गोटी, ये निकलेगी नहीं ऐसे, लॉक हो गई, ये नहीं होगा कि आप इसको लगा लोगे गोटी आपके नीचे गिर जाए, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको पुश करेंगे फिर निकलेगी, ये देखो, ये नहीं, क्या कमाल की चीज़ लेके आया ना आपके लिए, हाँ। अभी ये देखो, ऐसे ना हम सभी गोटी लगा सकते हैं, जे भी है, कितनी सारी गोटी है, कौन सी लगाओगे, ये देखो कितने, ये कितने mm, 12 mm है, ठीक है, ये 12 mm तक गोटी है, 12 mm के आप 14 mm तक गोटी आप यूज़ कर सकते हो, छोटी से लेके 14 mm तक गोटी यूज़ कर सकते हो आप। सबसे कमाल की चीज़ है, ये ही इसका बेनिफिट है, ठीक है।
तो हम इसको हम साइड में रखते हैं अभी, अभी लेके आते हैं इसको। ये देखो ये हमने निकाल लिया, और इसको निकाल लेते हैं, इसकी अटैचमेंट है ये। इसको हम ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं होगा, ऐसे फिट हो गया। देखो इसमें बैरिंग लगा है, हल्का सा बैरिंग लगा है, ये ऐसे फिट होता है। ये देखो साउंड आ रहा है, वो आ रहा है ना साउंड। इसको हमने फिट कर दिया। अभी इसके आगे फिर से वो लगेगी, फिटिंग होगी इसकी, ठीक है ना। इसको हम ये लेंगे अभी, ये हमारा इधर फिट हो गया। देखो कितने आराम से फिट हो गया, ये गिरेगा बेटे के मुँह, ये तो बेइज्जती हो गई। चलो चलो हमको ये गोटी लगानी है इसमें, तो हम इसमें ये भी लगा लेंगे। ये देखो ये डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है ना। हम इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और ये देखो, ये देखो कितने काम की चीज़ है। देखो देखना देखना जरा आप देखना। चलो मान लो कि आपकी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपका सेट सेट नहीं आ रहा, जहाँ पे आपका सेट नहीं हो रहा, इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये देखो ये चारों राउंड हो रही है ना अच्छे तरीके से, इसलिए हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आते हैं, तो आपके काम भी आए। ये नहीं कि ऐसे ही उठा के इधर उधर से वीडियो डाल देंगे, वो चीज़ नहीं हमें करते, अच्छी चीज़ ही लेके आएंगे आपके लिए, वीडियो तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। देखो जी कई बार ऐसे होता है हमारी गोटी सीधी नहीं लगती है ना, कुछ जगह पे सीधी नहीं लगती, उसको हमने बैंड करना पड़ता है, इसलिए हम उस इन्होंने अटैचमेंट दी है, इसको लगा के इसको बैंड करके कहीं भी लगा सकते हो। इसके आगे फिर से गोटी लग जाएगी, ठीक है ना। ये गोटी ऐसे फिट हो गई, ठीक है। देखो कितनी लंबी गोटी हो गई। इसको हम ऐसे देखो, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी देखो, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी। इसको कहीं पे भी ऐसे घुमाओगे तो आपका जो गोटी होगा, कुछ भी होगा, स्क्रू होगा, वो आराम से खुल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। इसको ले के रख लो, बहुत बड़ी चीज़ है, रेट भी बहुत कम है इसका, मैं रेट भी लास्ट में बताऊंगा। वीडियो पे बने रहना, वीडियो को छोड़ना मत, इसका रेट भी लास्ट में बताऊंगा। और अभी हम इसमें चलो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है। ये स्क्रू ड्राइवर लग गया, देखा सभी अटैचमेंट आएगी इसमें, सभी अटैचमेंट आएगी, स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर लेगा। तो हमने ये लगा लिया, हमने कुछ जगह पे इसको यूज़ किया, हमने स्क्रू खोल के देखा, स्क्रू टाइट करके देखा है, गोटी लगा के देखी है, बोल्ट जो होता है ना बोल्ट, उसको भी हमने खोल के देखा, टाइट करके देखा, आराम से चेक करिए, बहुत ही आराम से खुल गया और बहुत ही आराम से टाइट हो गया, बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो इसको हम रखते हैं इधर फिर से, ठीक है। तो इसको हमने इधर से निकाला था, ये रहा इधर आ गया, तो इसको हमने इधर से निकाला था, ठीक है ना। ये हमारा इधर फिट हो गया, और इसके साथ हमको हर एक टाइप की एल्की मिल रही है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं मतलब छोटा, क्योंकि जो उससे बड़ा काम एल्की काम होगा वो तो ये कर लेंगे ना, जिस हर एक साइज का आएगा। देखो छोटे से छोटा, उससे बड़ा फिर ये काम करेगा एल्की का, ये चीज़ ठीक है ना। हर एक नंबर है, देखो 5, 6, 4, 30 नंबर, ऐसे ऐसे 40 नंबर की जो होता है ना, स्टार हो गया, माइनस हो गया, हर एक टाइप का बिट है। ये देखो आराम से देखो, ये देखो हर एक टाइप का बिट है। मेरे को तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, एकदम से कोई चीज़ खोलनी है, नट खोलना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं एकदम से निकालूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा आराम से, है ना। इसको हम इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ ही। ये देखो इसके साथ भी यूज़ कर लिया। इसको टाइट करना है तो ऐसे कर लो, इसको इधर कर लोगे तो टाइट होने लगेगा, जो इसे इधर कर लोगे तो खोलने लगेगा, जो कोई चीज़ खोलनी है तो खोल। कई जगह पे ना स्क्रू ड्राइवर नहीं जाता है, स्क्रू ड्राइवर देखो कितना लंबा, कुछ जगह पे छोटी होती है इतनी, तो इसमें हम इसको लगा के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आराम से लगा के फिट हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा मल्टीपर्पज़ टूल था आपके लिए, 46x1 साइज में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये टूल बॉक्स, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, ये मेरे को पड़ा है यार, कितने का पड़ा था यार, भूल गए यार, चलो देख के दोबारा बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी, ये 680 रुपये का पड़ा है भाई, बहुत ही कम प्राइस में पड़ा है मेरे को, आपको भी पड़ सकता है, आप परचेस करो अभी मिल जाएगा। हाँ एक बात और है, नोट कर लेना, बाद में मेरे को मत बोलना कि आपने प्राइस कम बताया या ज़्यादा बताया, अभी इसका प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने आज परचेस किया है, आपने पता नहीं कब परचेस करोगे, ठीक है ना, इसलिए इसका प्राइस कम ज़्यादा होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा, आप परचेस कर सकते हो। मेरे को 680 रुपये का पीस पैकेट पड़ा है पूरा पैकेट। तो चाबी पाना बाजार में लेने जाओगे ना आप, अकेली अकेली चीज़ लेने जाओगे तो 2000 से कम नहीं पड़ेगी, उससे ज़्यादा ही पड़ेगी, और इतना बड़ा टूल बॉक्स बन जाएगा आपका, घर में खिला रहे कहाँ से ढूंढोगे सामान, सामान नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा पैक है, इसको ऐसे बंद करो और साइड में रख दो, ठीक है ना, इसको फिर खोलो और काम कर लो। तो दोस्तों एक बात और,
वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल जो नए आए हैं चैनल पे, ठीक है। तो प्राणी तो करके ही रखा है, जिन्होंने करके रखा है उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया उसको भी धन्यवाद कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा मैं। तो आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए तो हमको बताना, हम वही ही लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।